हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर सर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमी एट जी बी पंथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड वाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड देर आर मैनी ग्रीन हाउस गैसेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट सो एक्चुअली वट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट और इसी के कारण क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या हम ये जो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो इसको हमें समझना पड़ेगा पहले कि ग्रीन व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट हम कहते किसको है ग्रीन हाउस इफेक्ट ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर हम देखिए ग्रीन की बात करते हैं ग्रीन इन्वायरमेंट ग्रीन एनर्जी एक पॉजिटिव टर्म में लिया जाता है पॉजिटिव जो चीज़ है लेकिन यहाँ जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक हमको एक नेगेटिव साइंस में नज़र आ रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है तो कैसे एक पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव चीज़ में कन्वर्ट हो रही है ये हमको थोड़ा समझना होगा तो ये हमें जानना होगा व्हाट इज ग्रीन हाउस एंड व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट देखिए एक्चुअली जो पॉली हाउस होते हैं ग्लास हाउस होते हैं दिस पॉली हाउस एंड ग्लास हाउस आर मेड टू ग्रो द प्लांट्स एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर इन द पॉली हाउस और ग्लास हाउस तो जब हम पॉली हाउस या ग्लास हाउस बनाते हैं उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसके अंदर के टेम्परेचर को हम बढ़ाएं सपोज दिस इज द ग्लास हाउस मीन्स अप ऑफ पॉलीथिन और ग्लास सो दिस इधर ग्लास कांच के बने होते हैं या पॉलिथिन के बने होते हैं एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू ग्रो द क्रॉप टू ग्रो द क्रॉप इन साइड दिस पॉलीहाउस और ग्लास हाउस सो वी ग्रो द क्रॉप वाई वी ग्रो द क्रॉप इन ग्लास हाउस और पॉलीहाउस हम क्यों ग्लास uh, बना रहे हैं कांच का बना रहे हैं सारा ही कांच होता है इसके अंदर सोलर रेडिएशन uh, आता है क्यों हम इसको ऐसा कर रहे हैं एक्चुअली सन इज देयर एंड ड्यूरिंग डे टाइम दिस रेडिएशन रीच इन साइट हेयर सो दिस इज द मैकनिज्म कि ये हमने ग्लास हाउस बनाया जिसमें कांच है और कांच के थ्रू सोलर का रेडिएशन अंदर आता है अब होता क्या है कि ये जब uh, अर्थ गर्म होगी यहाँ की जो सॉइल गर्म होगी दैट री रेडिएट द हीट तो इससे जब अर्थ गर्म होगी तो रेडिएट करेगी हीट को और हीट जब रेडिएट होती है तो वह हीट भी क्या होगी यहाँ से ऊपर जाएगी पहले जमीन जब सूरज को रोशनी आई सूरज की रोशनी से जमीन गर्म हुई और उस जमीन से वो रेडिएशन ऊपर को गया तो ये जो रेडिएशन होता है जो सन से आता है दैट इज शॉर्ट वेव रेडिएशन दॉर्ट वेव रेडिएशन शॉर्ट वेव रेडिएशन uh, means the invisible length, invisible and ultraviolet. So it enter across the glass house or poly house. कॉली so, हाउस तो जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है ये अंदर आ जाता है और चूँकि शॉर्ट वेव है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है विजिबल range और यू वी रेंज का होता है लेकिन जो अर्थ होती है अर्थ का टेम्परेचर कम रहता है काफ़ी कम रहता है सूरज के कंपेरिजन में एंड इट रेडिएट द लॉन्ग वेव रेडिएशन लॉन्ग वेव रेडिएशन and this long wave is in the range of near infrared, near infrared or infrared or microwave uh, radiation generally infrared radiation. और जो ये infrared radiation है, ये इसके across नहीं जा पाता, इसको cross नहीं कर पाता है। देखिए short wave radiation तो जो solar radiation का है, visible light का ब्लू है चाहे रेड है जो भी विजिबल लाइट है अल्ट्राइल्ट वो तो सब अंदर आ गया लेकिन जो अर्थ ने जो रेडिएट किया वो लॉन्ग वेव रेडिएशन किया तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन इस ग्लास हाउस के बाहर नहीं जा पाता हाउस के बाहर नहीं जा पाता है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है बढ़ जाता है अब जब ये टेम्परेचर बढ़ गया तो ये टेम्परेचर इन प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है तो ये प्लांट्स की ग्रोथ क्या होगी यहाँ क्या होगी ज़्यादा होगी तो ये हम टेम्परेचर इंक्रीज करने को करने के लिए हम बढ़ाते हैं बनाते हैं तो जब भी हम ग्लास हाउस और हाउस बनाते हैं ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज़ दी टेम्परेचर इन इन अब हम क्यों टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं तो देखिए अगर विंटर सीजन है जहाँ हमारा टेम्परेचर लो है कोई हिली एरिया है पहाड़ है वहाँ टेम्परेचर लो है हम इतने कम टेम्परेचर से फसल को ग्रो नहीं कर पा रहे तो हम पॉली हाउस बना देंगे ग्लास हाउस बनाएंगे वहाँ टेम्परेचर ते बढ़ जाएगा या हम कोई ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रो करना चाह रहे हैं कोई ट्रॉपिकल फ्लावर है या वेजिटेबल है जिसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए तो उसको हम ग्रो कर सकते हैं अब जिन आ, रीजन्स में एरिया में ऑलरेडी हाई टेम्परेचर है तो वहाँ हम इसको नहीं बनाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ हाई टेम्परेचर है वहाँ हमको टेम्परेचर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है तो दीज ग्लास हाउस एंड पॉली हाउस आर मेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर द तो ऑब्जेक्टिव इज सो दैट्स वाई ग्रीन हाउस जो बनाए जा रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है टेम्परेचर को बढ़ाना है अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों है अब ये देखिए लॉन्ग वेव रेडिएशन और शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है ये मैंने आपको बताया किस उसका है इंफ्रा रेड और शॉर्ट वेव विजिबल का है और अल्ट्रा वायलेट का है और लॉन्ग वेव इंफ्रा रेड का है तो देखिए जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इफ टेम्परेचर इज हाई देन रेडिएशन या वेव वेव लेंथ वी कैन से वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन इज रिड्यूस दिस इज नोन एज वीन्स लॉ वीन्स लॉ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीन्स लॉ अब देखिए सोलर का रेडिएशन सोलर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है सिक्स थाउजेंड कैलविन है तो वहाँ देखिए क्या है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ रहा है सूरज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो रेडिएशन हमिट होगा उसकी वेव बहुत कम होगी विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेंज में होगी गामा रेज में होगी बहुत छोटी वेव लेंथ में होगा जितनी वेव लेंथ कम होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो शॉर्ट वेव है इसकी एनर्जी ज़्यादा है इस एनर्जी वजह से ये अंदर आ गया अब देखिए यहाँ क्या है अर्थ का टेम्परेचर कम है तो इन्वर्स हो गया बैबलेन्थ क्या हुई ज़्यादा हुई उसकी बैबलेंथ ज़्यादा रहेगी इनफ्रेड रीजन में रहेगी उसकी एनर्जी कम होती है इतनी कम होती है इसके पार नहीं जा पाता इस कारण से टेम्परेचर बढ़ा तो इस हाउस का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ये जिसको हम ग्रीन हाउस कह रहे हैं ये ग्रीन हाउस कहलाता है तो ये जितने भी पॉली हाउस हैं या पॉलिथिन हाउस हैं ग्लास हाउस हैं दे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस एंड ऑब्जेक्टिव इज टू ग्रो द क्रॉप बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सो दिस प्रिंसिपल इज और साइंटिफिक फैक्ट इज यूज कि इस ग्लास को पॉलीहाउस को लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिट नहीं कर पाता क्रॉस क्यों नहीं कर पाता क्योंकि क्यों उसकी एनर्जी कम है यह भी एक आपको पता होना चाहिए कि अगर वेवलेंथ जो है बेवलैंथ को हम लैमडा कहें अगर वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी दिस लेमडा इज बेवलेंथ वेब लेंथ अब वेब लेंथ अगर हम देखें बिजविल बिजविल की एज कम्पेयर टू इन्फ्रा रेड इन्फ्रा रेड की बेब लेंथ ज़्यादा है सात सौ नौनोमीटर से ज़्यादा है एक हज़ार नौनोमीटर के आसपास है तो ये बिजविल लेंथ की या हम अल्ट्रावाइलेट की देखें अल्ट्रावाइलेट की बेबलेंथ बहुत कम है एनर्जी ज़्यादा है इन्फ्रारेड की बेबलेंथ ज़्यादा है एनर्जी क्या है कम है तो ये भी एक हमको आ, रूल पता होना चाहिए लॉ पता होना चाहिए एक तो ये है वीन्स लॉ और एक ये एनर्जी वाला तो ये फैक्ट किसी आपसे रीजन एसोशन में पूछा जा सकता है तो इसको हमने क्या बोला ग्रीन हाउस बोला अब इस ग्रीन हाउस का क्या इफेक्ट है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर तो इसका मतलब जहां ग्रीन हाउस होगा उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस टेम्परेचर इंक्रीजेज इन साइड द ग्रीन हाउस और ग्लास हाउस सो दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो अब आपको पता चल गया इस ग्लास हाउस और पॉलिथिन हाउस को हम ग्रीन हाउस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है ग्रीन प्लांट्स हैं उसके अंदर ग्रीनरी डेवलप कर रहे हैं फ्लावर को कर रहे हैं टोमेटो कर रहे हैं या ट्रॉपिकल क्रॉप्स को कर रहे हैं तो वहाँ उस एरिया में करते हैं ये जान लीजिए जहाँ हमें टेम्पेचर बढ़ाना है किसी ट्रॉपिकल रीजन में हम इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो इसी कारण से देखिए जो ग्लास हाउस पोले हाउस का मिलेंगे ऐसी एरिया में मिलेंगे जहां टेमरेचर लो है हिल एरिया में मिलेंगे माउंटेन एरिया में आपको मिलेंगे तो अब देखिए अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको समझ में आ गया व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर तो ये अर्थ से कैसे कोरिलेटेड है अब इसको अर्थ से कैसे है इसको देखिए इसको समझना होगा हाउ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज

शॉर्ट वेव रेडिएशन इन नॉर्मल कंडीशन शॉर्ट वेव रेडिएशन ओके इन डे टाइम डे टाइम ड्यूरिंग द डे इटमिट सोलर रेडिएशन आता है सूरज की जो रोशनी आ रही है मैक्सिमम uh, किस में है शॉर्ट वेव में है मतलब विजिबल लेंथ में है तभी तो हमको नजर आ रही है और अल्ट्रा वायलेट में है विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट अब क्या हुआ अर्थ क्या हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ेगा सोलर रेडिएशन पड़ता है जमीन हमारी क्या होती है गर्म हो जाती है अब यह सनसेट हो जाएगा शाम के समय क्या होगा जब रात होनी शुरू होगी तो अब ये क्या होगी ठंडी होगी तो ये क्या करेगी अब चूंकि इसका भी तेम, देखिए टेंपरेचर बढ़ गया इसका 20 30 35 40 जितना है गर्मियों में ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सर्दियों में कम रहेगा लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ेगा सूरज निकलने पर क्या होगा जमीन का टेंपरेचर बढ़ेगा तो ये क्या करेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी क्या करेगी रेडिएशन को लूज करेगी बट इन लॉन्ग वेव रेडिएशन लॉन्ग वेव रेडिएशन अब ये अगर अर्थ के ऊपर गैसेस ये एक बैलेंस बनता है तो शॉर्ट वेव से हीट आई और लॉन्ग वेव से चली गई लेकिन इसमें एक चीज और है बड़ी इंपॉर्टेंट दैट दिस अर्थ ये अर्थ uh, मैं ऐसे बना रहा हूं ये अर्थ है इसको ऐसे समझिए अर्थ है एंड इट इज सराउंडेड बाई द गैसेस एंडवलप ऑफ गैसेस सो गैसेस आर देयर तो इसका मतलब कि इसके सराउंडिंग में अर्थ के सराउंडिंग में गैसेस हैं सीओ टू ओ टू ओ जोन मीथेन नाइट्रोसऑक्साइड बहुत जितनी भी गैसेस हो सकती हैं वो सारी क्या है गैसेस हैं अब क्या होता है कि जो इसने अर्थ ने जो रेडिएशन इमिट किया ये गैसेस अपने में उसको ट्रैप कर लेती हैं दिस इज एनब्लप गैस एनब्लप दिस आर दैसेस सीओ टू सीओ uh, टू है मिथेन है नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं बहुत सारी गैसेस हैं ऑक्सीजन है ओजोन है वाटर वेपर है सो द रोल ऑफ दिस गैस इज टू ट्रैप दी टू ट्रैप दी दिस लॉन्ग वेव रेडिएशन और उसमें से क्या होता है कुछ को तो ये रेडिएशन बाहर चला जाता है कुछ का रेडिएशन बाहर हो जाता है कुछ को वापस अर्थ की तरफ भेज देती है इसका मतलब कि इस गैसेस की वजह से जो एनवलप देख रहे हैं आप ग्रीन कलर का इसमें से कुछ रेडिएशन क्या होगा ये एब्जॉर्व कर लेगी कुछ को तो बाहर करेगी कुछ क्या हो जाएगा बैक हो जाएगा उस कारण से ये अर्थ का टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा रात में भी कुछ मेंटेन रहेगा तो ये जो गैसेस हैं वेरी इंपॉर्टेंट अगर मान लीजिए सारा रेडिएशन बाहर चले जाए तो अर्थ बिकम सो कूल कि इतनी ठंडी हो जाएगी कि रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा सो बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन द अर्थ टेम्परेचर इज इन द रेंज ऑफ अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ तो ये जो रेडिएशन को जो री रे रेडिएट गैसेस कर रही हैं वो बैक कर देती है अर्थ की तरफ जिससे कि थोड़ा टेम्परेचर बना रहता है फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड से मेजर गैस कौन सी है सीओ है सी जो है इसमें काफी मेजर इंपॉर्टेंट गैस है अगर मान लीजिए माना गैस का एनवलप नहीं होता मान लीजिए तो ये सारा रेडिएशन कहाँ चला जाता पार चला जाता एक्रॉस बिल्कुल उसमें चला जाता बाहर बिल्कुल निकल निकलता तो अर्थ कितनी होती ठंडी हो जाती और इतनी ठंडी हो जाती कि यहाँ फिर लाइफ इम्पॉसिबल थी तो इसका मतलब ये जो गैसेज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लाइफ तो इन गैसेज की वजह से ही क्या है अर्थ पर लाइफ है अगर ये गैसेज ना हो सीओ टू है मिथेन ऑक्साइड है ओजोन है वाटर बेपर है अगर ये अर्थ की तरफ चारों नहीं होंगी तो रेडिएशन बाहर सारा चला जाएगा और अर्थ इतनी ठंडी हो जाएगी माइनस में इसका टेम्परेचर आ जाएगा और कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी ना प्लांट्स होंगे ना एनिमल्स होंगे ह्यूमन बींग कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो अर्थ का जो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है इन गैसेस की वजह से हो रहा है क्योंकि गैसेस इसके अर्थ के पृथ्वी की चारों तरफ हैं बहुत तरह के गैसेज हैं उसमें से कुछ गैसेस क्या करती हैं इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं अपने अंदर रोक लेती हैं और थोड़ा सा बाहर जाने देती हैं बाकी को अर्थ की तरफ रेडिएट कर देती हैं तो वो टेम्परेचर अर्थ का बना रहता है कितना है 15 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड इतना ही इसका बना हुआ है मतलब पूरे अर्थ का मैं बता रहा हूँ पूरे ग्लोब का ऑन एन एवरेज एवरेज टेम्परेचर अब क्या हो कि अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगे माना सीओ टू गैस का कंसंट्रेशन बढ़ जाए मिथियन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए नाइट्रस ऑक्साइड गैस का कंसंट्रेशन बढ़ जाए मतलब वो गैसेस जो हीट को ट्रैप करती हैं और रेडिएट करती हैं उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैसेज हैं ये ग्रीन हाउस गैस तो आपको समझ में आ गया कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैसेज आर दूस गैसेज विच ट्रैप द हीट एंड री रेडिएट टूवर्ड्स द अर्थ एंड हेल्पफुल टू इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर और मेनटेन टेम्परेचर एंड लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस गैसेस ये समझ लीजिए कि जो लाइफ पॉसिबल है इन्हीं गैसेस की वजह से पॉसिबल है अगर गैसेस नहीं होंगी तो अर्थ बहुत ठंडी हो जाएगी सारा रेडिएशन बाहर चला जाएगा रात के समय तो ये रोक के रखती हैं तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है यह बहुत जरूरी है सो दैट वाई सिंस दिस गैसेज आर रिस्पॉसिबल टू मेंटे अ टेम्परेचर सो दैट वाई दिस आर कार्ड ग्रीन हाउस गैस बिकॉज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज रिस्पॉसिबिल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर तो इसको मतलब कि ये गैसेस टेम्परेचर को मैंटेन करती हैं मान लीजिए कि इन गैसेस uh, का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए बढ़ जाए अब ये एनवल ये बढ़ने लगे गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए अर्थ के चारों तरफ बढ़ जाए तो क्या होगा तब तो क्या होगा कि ये जो हमारा रेडिएशन है वो री रेडिएट अर्थ की तरफ ज़्यादा होगा जो अर्थ ने इसको किया ये बैक ज़्यादा हो जाएगा ये अपने में ज़्यादा हीट को रोक लेंगी और स्काई की तरफ क्या हो जाएगा कम जाएगा और अर्थ की तरफ क्या हो जाएगा टेम्परेचर आने लगेगा रेडिएशन आएगा तो उससे क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो तो पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ेगा दैट इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के बोलते हैं तो देखिए क्या हुआ अर्थ के चारों तरफ गैसेस का एनवलप है कई गैसेस हैं उसमें से कुछ गैसेस सम गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैप द हीट एनर्जी विच इज रेडिएटेड बाय द अर्थ जो अर्थ की तरफ से लॉन्ग रेडिएशन आता है उसको रोक लेती है अपने अंदर और फिर अर्थ की तरफ वापस भेज देती है जिसके कारण अर्थ का एक टेम्परेचर 15 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है उसी से लाइफ पॉसिबल है अगर ये गैसेस ना हो तो सारा रेडिएशन बाहर चला जाएगा अर्थ बहुत क्लो जाएगी कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी अब लेकिन अगर इन गैसेस का कंसनट्रेशन बढ़ जाए सी ओ टू का मिथेन का नाइट्रोसऑक्साइड का पर फ्लोरोबन बहुत गैसेज हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड हैं एच एफ सी है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ओजोन है वाटर वेपर है तो अगर इनका जो ट्रैप करती हैं गैसेज तो इन्हीं को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं कि जो रेडिएशन uh, को ट्रैप करती है और अर्थ की तरफ भेजती है अगर इनका कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा तो सोचिए क्या होगा सारा जो मैक्सिमम रेडिएशन कितना तरह आने लगेगा अर्थ की तरफ आने लगेगा और ये टेम्परेचर 15 से बढ़ के सिक्सटीन सेवनटीन एट्टीन होने लगेगा एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा और सारी लाइफ का हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगी इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग सो दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट ज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सम गैसेज विच ट्रैप एंड री रेडिएट टूवर्ड्स दी अर्थ तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है कुछ उन गैसेज के कारण हो रहा है जो लॉन्गवे रेडिएशन को ट्रैप करती हैं और इनका कंसनट्रेशन बढ़ रहा है कई कारणों से बढ़ रहा है डिफॉरस्टेशन फोजल फ्यूल हम यूज कर रहे हैं डीजल पेट्रोल कोयला और लकड़ी को यूज करों से सारा सी ओ टू निकल रहा है जिस चीज से सीओ टू निकल रहा है सी ओ टू कंसनट्रेशन बढ़ रहा है डिफोरेस्टेशन हो रहा है मिथेन का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है क्लोरोफ्लोरो कार्बन बढ़ रहा है हम घर में रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ कर रहे हैं uh, कई जगह पे जो है क्लोरोफ्लोरो कार्बन इंडस्ट्रियल इमिशन होता है एच का हाइड्रोफ्लोर कार्बन का तो उससे इन गैसेज का कंसन्ट्रेशन बढ़ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं सो दिस ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू सम गैसेज विच आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज एंड दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट्स वाई इट इज द We can say greenhouse effect is the global warming. वार्मिंग so, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है पूरे अर्थ का बढ़ रहा है पूरे विश्व का बढ़ रहा है ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर कंट्री का बढ़ रहा हो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री का कोई CO2 टू इंडिया से निकल रहा है तो दूसरी जगह का इंपैक्ट नहीं रहा। आ रहा पूरे वर्ल्ड में उसका इंपैक्ट आता है क्योंकि गैसेज तो एटमोस्फियर में जाती है पूरे फिर हवा से सब जगह फैल जाती हैं तो ओवर द ईयरस क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है सो दिस इज ग्लोबल वार्मिंग और इसको हम क्यों ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ग्रीन हाउस हम क्यों बनाते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए बनाते हैं हालांकि ग्रीन हाउस गैस में हम कोई गैस नहीं रखते हैं ग्रीन हाउस में हम कोई या सीओ टू या मिथिनथिन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ाते हैं वो तो एक ग्लास हाउस पॉली हाउस है जो लॉन्ग वेव को नहीं जाने दे रहा और यहाँ क्या है अर्थ पर नेचुरली कौन नहीं जाने दे रहा लॉन्ग वेव को ग्लास हाउस हमने बनाया उसमें लॉन्ग वेव कौन नहीं जाने दे रहा वो ग्लास वो शीशा नहीं जाने दे रहा है कांस नहीं जाने दे रहा पॉलीथिन नहीं जाने दे रही लेकिन अर्थ में कौन नहीं जाने दे रहा है वो गैसेज नहीं जाने दे रही और ये जरूरी है इन गैसेज का होना अगर ना हो तो पॉसिबल नहीं है लाइफ लेकिन एक कंसंट्रेशन से ज़्यादा जब हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारा सर्वाइवल क्या है इस एवरेज टेम्परेचर पे है सभी का तो जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो सभी के लिए क्या होगा लीथल होगा तो दैट्स वाई ग्लोबल वार्मिंग के बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स है तो आपको समझ में आ गया हो क्या है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस एंड वाट इज द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन टेम्परेचर कैसे होता है टेम्परेचर पे क्यों इसको हम कह रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग को हम क्यों कह रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये आप समझ गए होंगे Thank you very much.